बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल, आपको अपडेट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग व्लॉग में। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, दो दिन आपको अर्ली मॉर्निंग व्लॉग नहीं मिल सका होगा और कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह से आपको व्लॉग शेयर नहीं कर सके। तो दोस्तों आज की पोजीशन ये है कि यहाँ पे गोल चौक वालों का माल है, इस साइड पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक साइड पे भी गोल चौक वालों का मियाँ वसीम साहब का माल है। अभी जवाद भाई की मालिश कर रहे हैं काजम भाई, और बहुत इस वक्त बड़े भाई की खिदमत कर रहे हैं काजम भाई, और दम फूक पुकारा भी कर रहे हैं, दम भी कर रहे हैं, और इसके बाद पहले दम करेंगे काजम भाई, जवाद भाई को दम करेंगे, फिर यक दम करेंगे। और दोस्तों अभी फ़िलहाल दम चल रहा है, तो यक दम की अभी नौबत नहीं आई, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। और यहाँ पे इस साइड पे चोरी नजम साहब का माल उतरा हुआ है, और मज़ीद भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे वालेकुम अस्सलाम, हमारे व्यूवर्स जितने भी हैं माशाल्लाह दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल। दोस्तों आज माल कल की निस्बत ज़्यादा है, देखते हैं किस रेट पे सेल होता है। और आगे चलते हैं, आपको दूसरी जानिब मियां खावर साहब का माल दिखाते हैं, उनके पास क्या पोजीशन है, कितना माल है, और चलते हैं दूसरी जानिब, देखते रहिए सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल। दोस्तों इस जानिब फड़िया हज़रात अभी काम में मसरूफ़ हैं, तो अभी देखते हैं माल की क्या पोजीशन है, किस रेट पे सेल होता है। और अभी यहाँ पे मियां अरसलान साहब नीलामी जारी रखते हैं, और जारी है यहाँ पे, और अभी आफ्ताब भाई नीलामी कर रहे हैं, देखते हैं आड़ू की क्या रूटीन चल रही है। और यहाँ पे मियां खावर साहब के पास आज सेब की गाड़ी है, अल्लाह खैर करे, देखेंगे इंशाल्लाह क्या रूटीन बनती है। और यहाँ पे हमारे भाई हैं फड़िया हज़रात काम कर रहे हैं, चोरी फ़कीर हुसैन साहब इधर इस टाइम होटल पे मसरूफ़ हैं अपने काम, और यहाँ पे माशाल्लाह कस्टमर सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक आते हैं, बड़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं चाय पीने के लिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, भाई हैं हमारे बहुत मेहनत करते हैं, माशाल्लाह इनके हाथ में जादू है, चाय नहीं है ये एक नशा है, जो जिसको लग जाता है वो इसी का ही हो जाता है, और चाय के बगैर रहा नहीं जा सकता भाईजान, और ये नशे से भी बुरी चीज़ है। अभी जो चाय पीते हैं दोस्तों, वो चाय के बगैर रह नहीं सकते, चाहे उनको जितने भी मशरूबात पेश किए जाएं, लेकिन वो उनके लिए बेकार है। और अल्लाह ताला हमारे भाई को और तरक्कियां दे, अल्लाह इनको इनके रिज़क में इजाफ़ा करे। मलंग साहब अस्सलाम वालेकुम, सर ये बताएं कि चोरी फ़कीर हुसैन साहब की चाय का टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, याद करती है जनाब, क्या बात, इंतज़ार करती है कब आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके कारोबार में बरकत डाले भाई हैं हमारे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको मज़ीद भी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। और यहाँ पे रूटीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आम लगा रखा है इन्होंने। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? सर आम का क्या रेट चला रहे हैं? आम 150 माशाल्लाह दोस्तों, इतना खूबसूरत आम है माशाल्लाह, दिल करता है कि सारा ही खा लिया जाए। और 150 रुपये किलो भाई सेल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत आम, अल्लाह इनको रोज़ी दे माशाल्लाह। और सर सेब का क्या रेट है? सेब बंद पेटी है 250, 250 रुपये में बंद पेटी है। दोस्तों कितना वेट होता है पेटी में? 15-16 किलो वज़न है। दोस्तों आप आएँ यहाँ पे, वज़न विज़िट करें सरगोधा फ्रूट मार्केट का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किस्म। सर आम की पेटी का क्या रेट है? 1050। दोस्तों ये 1050 रुपये में काले चौंसी की पेटी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आम है आप देख सकते हैं, और बड़ी पेटी है, पैकिंग बहुत शानदार है माशाल्लाह, और तकरीबन 10 से 11 किलो इसका वेट होता है। और यहाँ पे सरगोधा फ्रूट मार्केट में विज़िट करें, चोरी फ़कीर हुसैन साहब के साथ भाई होते हैं हमारे भाई। सर आपका नाम क्या है? राना अजीम
अदरीस भाई से मिले, आप यहाँ पे विज़िट करें, काम करें, इंशाल्लाह बहुत सारे अच्छे मौके हैं काम के, कारोबार के, और आगे चलते हैं दोस्तों हम। जी जी सारा चोरी साहब आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन दोस्तों आपके सामने है, और मुख्तलिफ फड़िया हज़रात इधर इस वक्त काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस वक्त आम की सेल जारी है, और हमारे बड़े भाई हैं इधर ये भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, चोरी साहब ये आम का क्या रेट चला रहे हैं आज? आम चार का रेट 1400 रुपये है, और बड़ी पेटी है? बड़ी लेट चौंस है माशाल्लाह, 1400 रुपये में सेल कर रहे हैं माशाल्लाह भाई हमारे, बहुत खूबसूरत आम है, बड़ी पेटी है माशाल्लाह, नवाबपुरी का चलान है, बहुत खूबसूरत माल है, और कस्टमर यहाँ पे मौजूद हैं, दुकानदार हजरात यहाँ पे माल की खरीदो फरोख में इस वक्त मसरूफ़ होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में। और दोस्तों आज मियां खाबर साहब के पास है, ये सारा मैदान खाली है इस वक्त, यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, तो अगर कुछ देर में अगर कोई और माल आ जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे फड़िया हजरात अभी माल की सेल कर रहे हैं, और दोस्तों इस जानिब जो मार्केट ऑफिस के सामने माल लगता था आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जगह खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है इधर, और गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे आड़ू आलू बुखारा और खुबानी वगैरह रोज़ाना उतारी जाती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी ये टोटल जगह खाली है मियां खावर साहब के पास, हो सकता है कुछ देर में कुछ और माल आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे सेब पड़ा है मियां खावर साहब के पास, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको नीलामी में अपडेट करेंगे कि सेब की क्या रूटीन रहती है। देखते रहिए सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल, आप सब दोस्तों के तावन का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हम आपको आगे इस व्लॉग में कुछ और ऐड करते हैं तो देखते हैं, अगर हो सकता है तो ऐड करेंगे, अगर दोस्तों मुनासिब वक्त मिलता है तो ऐड करते हैं, अगर नहीं तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आप सब दोस्तों के तावन का शुक्रिया। दोस्तों आपको अर्ली मॉर्निंग व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं, यहाँ पे फड़िया हज़रात सड़क के दोनों तरफ में माल लगा के सेल करते हैं, और दोस्तों सरगोधा फ्रूट मार्केट की आपको पोजीशन दिखाते हैं, रोज़ाना की रूटीन माशाल्लाह हमारे भाई हैं फड़िया हज़रात हैं यहाँ पे माल सेल कर रहे हैं इस वक्त, और सेब 500 का सेल कर रहे हैं, मंडी में कोई ग्राहक नहीं है, कोई हालात नहीं है, बहुत खराब हालात चल रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम सर, दोस्तों यहाँ पे पोजीशन बहुत खतरनाक है, 500 रुपये में सेब सेल किया है गोल्डन, 500 में भी ग्राहक, और 500 रुपये में भी ग्राहक टोपी ड्रामा कर रहा है इस वक्त, और ग्राहक सोच रहा है कि थोक थेड़ी वाला हो तो वही चलाया जाए, तो देखते हैं आगे चल के क्या पोजीशन रहती है, क्या सूरत हाल है, आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल से। और इस वक्त खच किस्म के दुकानदार आ रहे हैं जो इस वक्त दुकानदार हजरात को बहुत परेशान कर रहे हैं, जैसा कि आपको अभी कैमरे में दिखाई भी दे रहा होगा, और पोजीशन बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त पहुंच चुकी है, और बिलों ने पहले ही आवाम को इस वक्त वही कह रहा हूँ, बिलों ने पहले ही आवाम की कमर तोड़ दी है महंगाई ने भी, और अल्लाह ताला इनको हया और इनके अंदर गैरत पैदा करे जो इस वक्त मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क को चला नहीं रहे, आगे ले जाने की बजाय मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं, तो अल्लाह इनका नेक सबब करे, अल्लाह इनको हदायत दे, अगर हदायत नहीं मिलती तो अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, हमारी दुआ है। और दोस्तों आपको पोजीशन दिखा रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं चोरी सुदा साहब हैं माशाल्लाह, राना सुदा साहब से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम चोरी साहब, निज़ाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह आपको खुश रखे। ये हमारे राना मकसूद भाई हैं माशाल्लाह, चोरी सुदा साहब के नाम से मशहूर हैं यहाँ पे, और बहुत फेमस हस्ती हैं हमारे बड़े भाई हैं। और चोरी साहब सेब का क्या रेट है यार? 1400 रुपये का भेज रहे हैं वसीम यार, ग्राहक पैसे नहीं पा रहे यार। दोस्त सर यही तो मुसीबत है, आगे एक फड़िए से हमने अभी बात की है तो वो बता रहा था कि 500 रुपये का गोल्डन सेब का सेल कर रहे हैं, गोल्डन का सेब है, और ग्राहक अभी भी टोपी ड्रामे और नखरे कर रहे हैं, यकीन नहीं करना 1260-70 रुपये का पैंता। जी जी तो बहुत मुश्किल है एक पेटी में, तो आजकल महंगाई के दौर में मकसूद भाई 100 रुपये क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है यार,
गाहक नहीं है दोस्तों। मकसूद भाई बहुत परेशान है, अल्लाह ताला इनको रिजक दे। और बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। और दोस्तों आपको अपडेट कर रहे थे सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल से, चोरी मकसूद साहब का माल अच्छा है, अभी गाहक नहीं है, वो बहुत परेशान है, तो अल्लाह ताला इनका मसला हल करे और अल्लाह ताला इनको को अच्छा गाहक दे, जो इनका सारा माल सेल हो जाए। माशाल्लाह पेटी बड़ी है, माशाल्लाह वज़न भी अच्छा है, लेकिन गाहक ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे और भी मज़ीद खड़िया हज़रात मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तरह के आम और सेब की इस वक्त ख़रीदारी ख़रीदारी होती है। तो दोस्तों उसके बाद फड़िया हज़रात यहाँ पे माल सेल करते हैं, यहाँ पे वसीम भाई भी बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और नायाब किस्म का आम है इनके पास, बहुत शानदार आम है। और चोरी राना वसीम साहब से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम चोरी साहब, क्या हाल है, निज़ाम कैसा चल रहा है? तो अल्लाह खुश रखे। ये जनाब इस वक्त आम सेल कर रहे हैं, इस वक्त माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आम है। वसीम भाई आम का क्या रेट है? माशाल्लाह दोस्तों 1050 रुपए में सेल कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत और शानदार आम है, माशाल्लाह 900 रुपए में सेल कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये जनाब नवापुरी का चलान है, ये काला चौंसा है। और आगे चलते हैं, आपको मजीद सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो दुकानदार हजरात हैं वो अपना रोना रो रहे हैं, और आगे जो कस्टमर लेके जाने वाले हैं वो अपना रोना रो रहे हैं। तो अब किसकी बंदा बात सुने और किसकी बात पे यकीन करे, बहुत मुश्किल हो चुका है इस महंगाई के दौर में दोस्तों, यहाँ पे इतना मुश्किल सेटअप है। और सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल से आपको अपडेट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चोरी नदीम साहब का माल उतरा हुआ है, यहाँ पे बड़ी दुकान है माशाल्लाह, सरगोधा फ्रूट मार्केट के बेताज बादशाह चोरी नदीम साहब। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं चोरी दिता साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, निज़ाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है निज़ाम, शुक्र अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। ये शाहपुर से आए हैं, शाहपुर से आते हैं, हमारे भाई हैं, इधर माल की खरीदारी करते हैं। ये बाबा जी इधर बैठे हैं, ये भी दुकानदार हैं, यहाँ से माल खरीद के आगे सप्लाई देते हैं। दोनों को माल देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और चोरी दिता साहब ये सेब का सेब 1250 थे, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत शानदार सेब है, 1250 रुपए में सेल कर रहे हैं, अल्लाह इनको रिजक अता करे। और आम का सर क्या रेट है? आम 1200 आम दोस्तों 1200 रुपए में सेल कर रहे हैं, माशाल्लाह नवापुरी बहुत शानदार, 15 किलो आम है, बड़ी पेटी है, जो ले जाएगा वो डबल रोजी कमाएगा इंशाल्लाह, 777 मार्क है, बहुत शानदार माल है। और दोस्तों आगे चलते हैं, चोरी दिता साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आगे चलते हैं दोस्तों, आपको पोजीशन से लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त आज की रूटीन आपको दिखा रहे हैं, चोरी अमर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त चोरी अमर साहब इस वक्त दुकानदारों के साथ इस वक्त रस्साकशी में मसरूफ़ हैं, क्योंकि इस वक्त घुलना पड़ता है दुकानदारों के साथ, सौदा तय करना पड़ता है, फिर दुकानदार भी बहुत परेशान करते हैं, वो अपने अपनी अपने दिल के मुताबिक अपने जेहन के मुताबिक रेट लगाते हैं, और दुकानदार के साथ रेट बनाना पड़ता है। और यहाँ पे इस वक्त दुकानदार के साथ चोरी अमर साहब के पास साथ दुकानदारों को वो इस वक्त रेट बनाना पड़ता है। और आगे चलते हैं, आपको मजीद सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, राना आरिफ साहब खड़े हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे सेटअप बहुत ज़बरदस्त और शानदार है। और दोस्तों आगे चलते हैं, आपको मजीद सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, यहाँ पे अंगूर की नीलामी आगे चल रही है, और यहाँ पे इतनी ऐसी पोजीशन हो चुकी है कि दुकानदार हजरात खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि काम एक टकेगा नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम चोरी साहब, क्या है, निज़ाम कैसा चल रहा है? आम बिजली के बिलों की वजह से लोगों पर पैसे नहीं है, कैपेसिटी खत्म हो गई है, कैपेसिटी खत्म हो गई, माल कल भी बच गया था, आज भी बच गया है माल, तो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है कि 100 रुपये किलो से बढ़ के कोई पैसे नहीं, लोग बढ़ रहे हैं। जी जी जी, आप बताएं 100 रुपये खर्चा मिलाकर वो व्यापारी को क्या बचेगा, वो भी नुकसान दे जाए। सही बात है, हमारा कल भी माल बच गया था, आज भी बच गया। सर
परेशान है उधारियों को ये फोन कर रहे हैं। जी जी सर, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ करते हैं आपकी कॉल लग जाए उधारियों को। ये देखे करें उठा ले आपका, इतने परेशान है। जी जी इस फोन पर रहते जी, सही बात है, बहुत शुक्रिया सर। आप जो है ना यहाँ पे जैज का जो सिग्नल आते नहीं है तो उनके पास भी मेरा ख्याल कहता है वो पैसे खत्म हो गए। जी जी हो गया वो भी। जी जी सही बात है। और दूसरी बात ये है कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा है। जी जी, और अगर जैज के सिग्नल आते भी होंगे तो जो दुकानदार है आके फोन ही नहीं सुनते, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, बहुत परेशानी हुई है। जी जी, इतने तंग है के बच्चों को बाहर भेज दे। जी जी जी, स्कूलों में हम रहने ही नहीं चाहते सर। कुछ दुकानदार यहाँ तक इस नौबत तक आ चुके हैं, वो कह रहे थे कि हम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं क्योंकि एक टके का काम नहीं है। सिर्फ 300 खानदान है उनको फायदा देने के लिए सब कुछ हो रहा है। जी जी जी, जो 22 करोड़ बंदे हैं उनको ये दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म की रस्सी, जुल्म की रस्सी ज्यादा देर दी चलती। जी जी जी, सही कह रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सब कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपकी रोदात सुनी है हमने और बहुत दुख हुआ है हमें। मैंने वो उन 22 करोड़ आवाम की आपको बयान किया, सब रो रहे हैं। जी सही कह रहे हैं सर, मैंने कहा रियलिटी जो है वो अच्छी नहीं है। सर आपकी बात बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको रिजक दे। अभी दुकानदार आ चुके हैं इनके पास, अभी सौदा करेंगे। सेब बहुत शानदार पड़े हैं माशाल्लाह। हमारे कुछ भाई इधर भी काम कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं, आपको इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं क्या सेटअप है। वो अपना 2.5 मान का सिरा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, मुँह से बात करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। आगे चलते हैं, आपको मजीद सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। देखते रहिए सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल। शुगल की इंतहा तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह दोस्तों, आपको शुगल दिखाएंगे, मेरे को लिए किसी को शुगल दिखाएंगे और हंसाएंगे। और दोस्तों जो है ना इस पुरफितन दौर में जहाँ पे हर बंदा परेशान है, आपको कुछ थोड़ा सा हंसने का और शुगल लगाने का मौका इंशाल्लाह देंगे। और अंगूर की पोजीशन दिखाते हैं आपको, क्या पोजीशन है। ये हमारे संजय दत्त भाई भी आ चुके हैं, और संजय दत्त भाई आप ज़रा टाइम निकाल के आना इधर, फिर आपका दोपहर को आना, उसमें म्यूज़िक डालेंगे क्लासिकल, ठीक है। हाँ बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल।